हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज मैं आपको एक चीज़ बताने आ रहा हूँ, मतलब ऐसे मैं यहाँ का व्लॉग शूट नहीं कर रहा भाई, यहाँ का बहुत व्लॉग शूट कर लिया मैं, आपको बस इतना बता रहा हूँ। जैसे कि हमारी स्कॉर्पियन हमने ली थी ना, तो उसकी डिलीवरी का व्लॉग नहीं बनाया मैंने, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, तो अब मैंने सोचा उसका व्लॉग डाल दूँ। अपने मेरे पे थोड़ी बहुत क्लिप पड़ी है, मैं उसकी वो कर दूँगा, क्या कहते हैं, वॉइस ओवर कर दूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी क्लिप लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत और आपको वॉइस ओवर करके अपना डिलीवरी वाला कल का व्लॉग बना दूँगा थोड़ा सा, ठीक है, तो आप वो इन्जॉय करना। तो गाइज़, वॉइस ओवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को याद आया मामा का भी तो चैनल है, मामा का भी व्लॉगिंग चैनल है, तो मैंने उससे क्लिप निकाल ली, तो मैं उससे आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे हुई है। और मामा के चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेक कर लेना। अब मेरे साथ अभी जा रहे भव्य, ये खुश देख रहे हो लड़के को, बाकी शोरूम पे जाके पीडिया करते पहले, फिर आपको बताते हैं। तो भाई हम पहुंच गए महिंद्रा के शोरूम, बड़ी हो रही रेडी भाई अपनी, अंदर से देख लो, दिक्कत तो है नहीं, पैड वैड लगने हैं, गाड़ी की सेटिंग हो रही है पूरी, तैयार होके दिखाएंगे कैसी लगेगी। वॉश हुई नहीं है, ये कौन सा वाला लगा है, वो वाली तो दूसरा दिखा देते, ब्लैक में है ना, हाँ ठीक है, स्कॉर्पियन मैन। फाइनली पहुंच गए भाई महिंद्रा के शोरूम में, सब तैयारी में, बड़ी वाली चाबी लगेगी इसके अंदर पीछे से। ओ भाई साहब, सीन देख रहे हो, बड़े वाला सीन है अंदर, नई गाड़ी की जो खुशबू होती है ना, हा 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 हा, वाह वाह, सारी चीजें बताई जा रही है कि क्या क्या है, कि हम सब खड़े हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं कब हमें चीजें मिलेगी, कब हम चलाएंगे, ऐसा है आप सब लोग। बस कुछ टाइम बाद ये भी मेरे पास है, कोई चिंता की बात नहीं है, हस्ताक्षर ले रहे, ऑटोग्राफ ले रहे हैं मैडम का। तो हमारे कान्हा जी भी आए हमारे साथ, चलो रेडी, 1 2 3। दीपक जी स्माइल, स्कॉट करते हुए जा रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो, वरना हमें खींचनी पड़ेगी गाड़ी पीछे, टोइंग लगानी पड़ेगी टोइंग करके। तो गाइस ये वाले शॉट मेरे पे पड़े हुए थे, इंस्टा की स्टोरी के लिए बनाए थे मैंने, तो मिल गए मेरे को, तो मैंने डाल दिए पीछे से। कैसी लगी? तो भाई सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, पर मैं ये बताने आया हूँ कि ये मेरे नानी नाना है। हाँ भाई, पापा की हाल चाल किद्दा, फिर वीडियो बना रहे हैं, कैसी लगी? हाँ भाई, टाटा मम्मी पापा को घुमाई घुमाई करने के लिए जा रहे हैं, काले शीशे तो हो नहीं सके, एक करवा दी काले काले। ओहो, मक्खन है क्या? सो लड़कों की यहाँ पे थोड़ी सी हवाबाजी हो रही है। तीनों की लाइन में लगी है 700, वहाँ पे स्कॉर्पियन है एक और ऑटोमेटिक और ये मैनुअल है, तो चल रहे है भाई, कह रहे कि चलो फोटो वोटो खींचते, ये लौंडे देख रहे हो क्या है इसके यहाँ किसके अंदर, हाँ ये नीचे जा रही है, नीचे नहीं जा रही है, ऐसे करने में नीचे जाएगी है, हाँ, और ऐसे करने में ऊपर आएगी, हाँ, और उसको पीछे करने में, और उसको पीछे करने में पीछे जा रही है, रेस भी नहीं दोगे तो भी उड़ जाएगी, हाँ, कोई नहीं, हाँ चला लोगे यार, गाड़ी चलाने आती है तो चला ही लोगे फिर। इसमें क्लासेस नहीं है, हम सबने क्लासेस नहीं ली, दिलवाई गई थी। ओ भाई क्लास, चलो अच्छी गाइस, ये देखो मैंने ढूंढ के प्रूफ के लिए वीडियो भी निकाली है इसकी, कि ये वैगनर में सीखता था। सही कह रहे हैं भैया, थोड़ा सा
ढीले होते हैं ना नटवट। ये फर्स्ट सर्विस के बाद उसको बताना पड़ेगा कि इस पे जर्क आना है। हजार के बाद उसको, हजार के बाद तो वही है। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है भाई, जा रहा मत्ते ठरा रहा हूँ अंदर ही मैं यहाँ पे। ऐसा सही है, पीछे के लिए भी ऐसी दे रहा है भाई। तो गाइज उसके बाद गाड़ी हमने अपनी दे दी थी पीपीएफ कराने के लिए, क्योंकि भाई पीपीएफ मैंडेटरी है, पर वाइट कलर पे आपके चॉइस है कि आप करवाओगे या नहीं, क्योंकि पीपीएफ वाइट कलर के ऊपर पीली पड़ जाती है, तो आपको देख के करानी है कि आप करवा सकते हो या नहीं। ये मेंटेनेंस मांगता है वाइट पे भी। तो गाइस जो मेन काम हमारी गाड़ी पे हुआ था, एक तो पीपीएफ हुई थी और ऊपर से भाई हमारी ड्यूल टोन रैप हुई थी। अब आप देख लो ऐसे ऐसे हमारी रैप हुई है सारी है, और मैं आपको फाइनल लुक भी दे दूंगा एक इसकी लास्ट में, देख लेना आप। तो गाइस ये कुछ पिक्चर हैं, ये फाइनल लुक है गाड़ी की। अब आप देख लो ऐसी लगती है, कहीं हम गए थे तो मैंने खींच ली थी। तो भाई लास्ट फोटो की आप ज़रूर वेट करना, उसमें देखना भाई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है वो, और अभी ये ब्लैक एंड वाइट के साथ भी देखो आप लास्ट वाली फोटो देखना कितनी बढ़िया है, उसमें भाई क्लासिक कितनी छोटी लग रही है देखो आप। Ooh,